दोस्तों नमस्कार, अभी जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो आपको तस्वीरें नजर आ रही है, उन तस्वीरों में आप देखिए कि एक कार किस तरीके से पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दरअसल एक कार चालक अपनी कार लेकर जा रहा था, ओवर ब्रिज पर एक बड़ा गड्ढा होने के कारण कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होने के बाद करीब आधा किलोमीटर तक कार पलटिया खाती खाती ओवर ब्रिज के दूसरी तरफ जा टकराई। और गनीमत रही कि ये कार ओवर ब्रिज से नीचे नहीं गिरी, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि कार चालक जो था उसने बड़ी सावधानी से कार को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद सड़क के बीच ओवर ब्रिज पर गड्ढा होने के कारण कार अचानक से अनियंत्रित हो गई। और करीब आसपास के प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि आधा किलोमीटर तक जो कार है वो पलटी खाती खाती आगे ओवर ब्रिज की दूसरी तरफ एक दीवार से जा टकराई, जहां से वो कार वहीं रुक गई। अन्यथा कार अगर ओवर ब्रिज से नीचे गिर जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, कार चालक को भी नुकसान होता हो सकता था और जो नीचे सड़क सर्विस रोड पर लोग चलते थे उनको भी बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि ये कार वहां पर जा टकराई और कार वहीं पर रुक गई। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि बाड़मेर शहर के करसी मंडी के ठीक सामने ओवर ब्रिज पर की है, जहां पर एक कार चालक जोधपुर से बाड़मेर की तरफ बाड़मेर शहर में एंट्री की थी और जैसे ही ओवर ब्रिज से करसी मंडी की तरफ नीचे उतर रहा था, इस दरमियान सड़क पर एक बड़ा गड्ढा होने के कारण अचानक से कार अनियंत्रित हो गई। और अनियंत्रित होकर आप देखिए किस तरीके से कार ने वहां पर करीब आधा किलोमीटर तक जो है पलटी खाई और उसके बाद से कार एक डिवाइडर की जो ओवर ब्रिज की एक दीवार थी वहां पर जा टकराई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला। और देखिए कार जो है पूरी तरीके से जो आपको क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये तस्वीरें आप बाड़मेर के कृषि मंडी के आगे की देख रहे हैं, जहां पर अभी अभी एक हादसा हुआ है। हालांकि किसी प्रकार की कोई नुकसान जनहानि इस प्रकार की नहीं हुई, अपने आप में एक बड़ा हादसा टल गया और जो कार चालक था उसकी सूझबूझ के चलते ये जो है अपने आप में बड़ा हादसा जो था वो टल गया। हालांकि जैसे ही अचानक से बारिश के कारण सड़कों पर जो है हम लोग आमतौर पर देखते हैं बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, और इस कार चालक के आगे जैसे ही गड्ढा आया तो उसने अपनी कार को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो कार है वो वहां से अनियंत्रित हो गई, करीब आधा किलोमीटर जाकर दूर गिरी और एक डिवाइडर की दीवार से जा टकराई, जहां पर ये कार जो है वो डिवाइडर से नीचे नहीं गई। अगर ओवर ब्रिज से नीचे गिर जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें जो आप लाइव देख रहे हैं ये बाड़मेर के कसी मंडी के आगे की तस्वीरें हैं और यहाँ पर एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते बच गया। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि अगर आप बारिश के दिनों में अपनी वाहन चला रहे हैं तो सड़कों पर कहीं पर भी गड्ढे हो सकते हैं। हम लोग हाईवे पर इस तरीके से चलाते हैं कि कोई गड्ढा नहीं होगा, सड़क ठीक होगी, लेकिन आप देखिए बारिश के दिनों में गड्ढे होने के कारण ये अपने आप में एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो सभी साथी इस वीडियो को भी शेयर करें और अपने वाहन सुरक्षित तरीके से चलाएं ताकि किसी प्रकार की कोई किसी को नुकसान नहीं हो। क्या नाम दिए? अशोक जी।